हेलो माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन पर काम कर रहे थे और फिक्स प्रीपोजिशन का आपको एक सेशन मिल चुका है। उसमें हमने करीब 15 फिक्स प्रीपोजिशन डिस्कस कराए थे आपको, और करीब 20 के करीब हैं फिक्स प्रीपोजिशन आज के। तो अब 20 में आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पिछली बार की ही तरह इस बार भी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ फेमिलियर के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन दिया, फिर फेमिलियर के साथ दिया, तो फेमिलियर के साथ अलग अलग सिचुएशन में कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था। अच्छा, जिन लोगों ने पिछली बार वाला डिस्कशन ना देखा हो वो पलट के देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में भी उसका लिंक दे दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इसका पीडीएफ भी इसी के साथ अटैच है, तो आप पहले पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, लास्ट में इसके, जैसे पिछली बार मैंने दिया था, तो लास्ट में पूरा कलेक्ट करके भी मैंने दे दिया है। यहाँ देखो, ये आपके साथ रहा समरी के बाद, देखो ये यहाँ पे, ये देखो ये फेमिलियर के साथ दिया हुआ है ना, जिससे पिछली बार दिया था। फेमिलियर के बाद देखो विद भी लग जाता है, टू भी लग जाता है किस सिचुएशन में, फेमिलियर विद अ प्रॉब्लम, फेमिलियर टू अ पर्सन, पर्सन आ जाए तो फेमिलियर के लिए टू लगाना, प्रॉब्लम आ जाती है तो विद लगाना। जैसे इंटरफेयर है, तो इंटरफेयर अगर किसी पर्सन के साथ इंटरफेयर कर रहे हो तो विद लगेगा, किसी प्रॉब्लम में कर रहे हो इन लगेगा, दो लोगों के बीच में कर रहे हो बिटवीन लगेगा, ठीक है। ऐसे इन्वॉल्व है, तो किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है तो विद लगेगा, किसी थिंग में इन्वॉल्व हो तो इन लगेगा। ऐसे ही जो ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका पूरा का पूरा नीचे एक समरी फॉर्म में पूरा का पूरा दे रखा है, आप लोगों की सुविधा के लिए, नोट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलो शुरू करते हैं। कहाँ पे शुरू में आ जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछला वाला आप लोग देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन, ठीक। पहला क्वेश्चन है फेमिलियर के साथ, तो दोनों फेमिलियर, पहला दूसरा दोनों फेमिलियर पे हैं, स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर डैश द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लोकेलिटी, आपको अपनी लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स से फेमिलियर होना चाहिए। तो अभी मैंने बोला था कि फेमिलियर के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो फेमिलियर के बाद विद लगाएंगे, और कोई पर्सन है तो फेमिलियर के साथ आप टू लगाओगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक साथ देखो, यहाँ लिखा है फेमिलियर के साथ प्रॉब्लम, और यहाँ लिखा है कि आई थिंक आई एम नॉट फेमिलियर डैश द पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड यू, जो आपके बगल में इंसान खड़ा है, शायद मैं उससे परिचित नहीं हूँ। तो फेमिलियर के बाद अगर कोई पर्सन आता है तो क्या लगाते हैं, टू। फेमिलियर के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो इस वाले में कौन सा सही होगा, पहले वाले में विद, और दूसरे वाले में क्या सही होगा, टू सही होगा। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो वर्ड है वो है इंटरफेयर, और तीनों में इंटरफेयर है, 3, 4, 5 तीनों में इंटरफेयर है। अब तीनों क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिख सकते थे, अगर मैं छोटा कर देता तो दिखता, लेकिन तब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती, इसलिए दो आपको दिखा दे रहा हूँ, तीसरा भी देख लेना यहाँ पे। ये देखो इंटरफेयर वाला ये भी है, ठीक है। पाँचों क्वेश्चन में भी इंटरफेयर है, तो एक एक करके देखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि इंटरफेयर के साथ हम 3 प्रीपोजिशन लगाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरफेयर के साथ प्रीपोजिशन कैसे कैसे लग रहे हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, ठीक है। तो इंटरफेयर के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन कब लगेंगे ये आप पहले चर्चा कर लीजिए। जैसे इंटरफेयर के बाद एक तो आपका प्रीपोजिशन हो जाता है इंटरफेयर विद, अगर किसी पर्सन के साथ आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो विद होगा, और इंटरफेयर के साथ इन लगेगा किसी मैटर में आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो, और इंटरफेयर के साथ बिटवीन यूज किया जाता है अगर आप दो लोगों के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देख लीजिएगा, विद पर्सन के साथ, इन किसी मैटर में, और बिटवीन दो लोगों के बीच में इंटरफेयर करना हो जाता है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि हु आर यू टू इंटरफेयर डैश मी एंड माई वाइफ, तो मी एंड माई वाइफ, मेरे और मेरी बीवी के बीच में, यानी कि मियाँ बीवी के बीच में इंटरफेयर करने वाले तुम कौन होते हो। तो यहाँ पे दो लोग आ गए ना, 1, 2 दो लोग आ गए, दो लोगों के बीच में इंटरफेयर करना होगा तो क्या यूज़ किया जाएगा, फिर बिटवीन लगाना है आपको कायदे से यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये भी पर्सन है, आप सोचेंगे कि सर आपने कहा था कि पर्सन लगना चाहिए, हाँ ठीक है पर्सन लगना चाहिए, लेकिन जब दो पर्सन होंगे ना, मी एंड माई वाइफ लिखा हुआ है यहाँ पे, या लिखा होगा टू पीपल, तो दो लोगों के बीच में इंटरफेयर करना होगा तो बिटवीन लगाना पड़ता है, वो फिक्स है। एक पर्सन कहीं लिखा होता है तब उसमें आप विद लगा दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट इंटरफेयर द पर्सनल मैटर्स ऑफ योर बॉस, तो किस में इंटरफेयर करना है, आपके पर्सनल मैटर्स, तो किसी पर्सनल मैटर में आप इंटरफेयर करोगे तब क्या लगाना है, तब आपको इन लगाना है। उसके बाद अब ये देख लो आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें लिखा आई डोंट वॉन्ट टू इंटरफेयर डैश यू एनी और,
तो मैं आपको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो अब की बार ये यू लिखा हुआ है, यू क्या हो गया, कोई पर्सन हो गया। पर्सन लगाओगे तो क्या लगाना है, विद लगाना है। अब ये हो गए आपके इंटरफेयर के साथ तीन के तीनों प्रीपोजिशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में तीनों एक साथ मैंने दे दिया है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थिंक्स दैट द मैनेजर, बैंक मैनेजर इज इन्वॉल्व्ड। यहाँ देखो इन्वॉल्व्ड दिया हुआ है और ये फिर इन्वॉल्व्ड लिखा है। इसी इन्वॉल्व्ड के साथ वर्ब लगी है बैंक रॉबरी। तो इन्वॉल्व्ड के साथ ये रॉबर्स है और ये रॉबरी है। तो अब जब आप इन्वॉल्व के साथ दो चीज़ें यूज करते हो, जैसे ये मैंने लिखा इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के बाद अगर आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे चोरी वोरी हो गई या किसी घटना में किसी एक्शन में इन्वॉल्व हैं, यही तो हो सकता है। तो जब आप पर्सन में इन्वॉल्व होंगे तो क्या यूज किया जाएगा, विद यूज किया जाएगा। किसी पर्सन के साथ और किसी घटना में इन्वॉल्व होंगे तो क्या लगेगा, इन यूज किया जाएगा। ठीक है, जनरली इन्वॉल्व के साथ इन लगता है, लेकिन अब किसी पर्सन के साथ हैं तो विद लगाया जाएगा। अब यहाँ दियो को क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह लगता है कि बैंक मैनेजर इन्वॉल्व है। किसके साथ, रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व है। तो रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व होगा तो क्या लगाओगे, विद लगाओगे, और बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है तो क्या करोगे, इन लगेगा। ठीक है ना, समझ गए बात। तो विद और इन, जिसमें भी हमको विद और इन मिलेगा ये होगा, पहले में विद लगाना था और दूसरे में इन लगाना था। तो कभी कभी इस तरह के प्रीपोजिशन आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में दो दो प्रीपोजिशन भरना होता है, तो आपको कम्बिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में नॉक्ड लिखा हुआ है। ठीक, नॉक्ड का तीन तीन सेंस में यूज किया जाता है। एक तो होता है आप दरवाजा खटखटाते हैं तो नॉक लगता है, या आप कहीं दीवार वगैरह से भिड़ जाते हैं तब भी नॉक यूज किया जाता है, और एक मान लो कहीं कोई किसी को कुचल देता है तो कुचल देने के लिए भी यूज किया जाता है। तो जब आप नॉक के साथ दरवाज़ा वगैरह हो गया, कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो आप क्या लगाते हो, ऐट लगाते हो। ठीक है, दरवाजे वगैरह आप नॉक करने के लिए, खटखटाने के लिए नॉक ऐट द डोर हो जाता है। और दूसरा हो जाता है नॉक के साथ अगेंस्ट। अगेंस्ट कब लगाओगे नॉक के, नॉक के साथ अगेंस्ट तब लगता है जब किसी को मान लो गर्दन पकड़ के किसी की, या गला पकड़ के, या सिर पकड़ के दरवाजे वगैरह से ठोक दिया आपने पकड़ के, या कहीं पिलर वगैरह में ठोक दिया, टकरा जाना जिसको कहते हो, तो वो हो जाता है नॉक अगेंस्ट, जिस चीज़ से टकराया है। और एक होता है नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, नॉक डाउन तब यूज़ किया जाता है जब जैसे कोई किसी ट्रक वगैरह के नीचे आ गया, या किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गया, कुचल गया कोई आदमी, तो कुचल जाने के लिए नॉक डाउन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ तीनों पर क्वेश्चन दे रखा है, आप समझिए कब आपको क्या लगाना है। क्वेश्चन पढ़िए, चलिए, लिखा है समबड़ी नॉक्ड डैश द डोर एट मिडनाइट। तो ये एट द डोर लिखा हुआ है ना, तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया आधी रात को, तो एट लगाना पड़ेगा, आपका ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है माय बॉस नॉक्ड हिज सर्वेंट डैश द वॉल। इसका मतलब हुआ कि मेरे बॉस ने अपने नौकर को दीवार से ठोक दिया, मतलब उसको पकड़ के दीवार में टकरा दिया ले जाके। तो ये हो जाता है अगेंस्ट। क्या होगा, जब किसी को पकड़ के किसी चीज़ के अगेंस्ट टकराते हैं तो उस नॉक के लिए क्या लगेगा, अगेंस्ट यूज किया जाएगा। अब अगला देख लो क्वेश्चन नंबर नाइन में। नाइन क्या है कि अ पुअर लेबरर वाज नॉक्ड डैश बाय अ स्पीडिंग ट्रक। तो ट्रक ने कुचल दिया एक बेचारे गरीब वर्कर को, लेबरर को, एक ट्रक ने कुचल दिया। तो कुचल देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉक्ड डाउन यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टेन पर। तो क्वेश्चन नंबर टेन में एक वर्ड दिया हुआ है मैरिड। तो देखना है ये है कि मैरी के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो पहले हम आपको इस बात को समझा देते हैं, एक वर्ड है मैरी। मैरी का इसकी पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं, हम मैरिड यूज कर लेते हैं। मैरिड के साथ देखो, अगर ये पैसिव वॉइस हुआ, दो सिचुएशन है, पैसिव वॉइस में है तो मैरिड के साथ टू भी लगता है और मैरिड के साथ विद भी लगता है। किसी पुरुष की महिला से शादी कराई गई है तो क्या लगाएंगे, टू वुमेन। ठीक है, वुमेन बाद में महिला का नाम है तो टू लगाओगे, और किसी पुरुष का नाम लिखा होगा बाद में तब क्या लगाओगे, मैन लगाओगे। क्लियर हो गई बात। और अगर एक्टिव वॉइस, ये दोनों कब लगेंगे, ये दोनों पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और अगर एक्टिव वॉइस में मैरिड का यूज किया गया है तो नो प्रीपोजिशन। ठीक है, बात समझ गए, फिर से समझ लो, मैरिड अगर एक्टिव वॉइस में यूज किया गया है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, मैरिड अगर पैसिव वॉइस में यूज किया गया है तो दो प्रीपोजिशन लगेंगे, टू लगेगा जब किसी पुरुष की शादी महिला से कराई जाती है, और विद लगेगा जब किसी महिला की शादी किसी पुरुष से कराई जाती है। अब आप कहोगे बात तो एक ही है, हाँ बात एक ही है, लेकिन अभी अंग्रेज जाने उन्होंने ऐसा नियम क्यों बनाया है। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की सिचुएशन यह है कि पहले में लिखा है वाज मैरिड, वाज मैरिड मतलब पैसिव है, यहाँ लिखा है इज मैरिड मतलब पैसिव वाइज है। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पैसिव वाइज हो जाती है। अब ये देखते हैं किसकी शादी किससे हो रही है। मिस्टर सुधीर हैं, डॉक्टर सुधीर की शादी एक नर्स से कराई जा रही है, इसका मतलब किसी पुरुष की शादी किसी महिला से कराई जा रही है। तो पैसिव वाइज में अगर यहाँ कोई महिला है तो आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ कि सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की बहन की शादी हुई, इज मैरिड लिखा। अब ये लड़की है, ठीक है, मेरी बहन की शादी हुई, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ कोई पुरुष होगा, एन एन आर आई। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे एन आर आई पुरुष ही कैसे होगा, अरे ठीक है यार मेरी बहन, ये मेरे दोस्त की बहन है, तो जाहिर सी बात है यह लड़की है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लड़का होगा, ठीक है। अगर बॉय पीछे लिखा हुआ तब क्या यूज करोगे, पैसे वॉइस में इसके साथ हम लोग यूज करते हैं विद, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया, विद, और इसका आंसर क्या हो गया, टू। और तीसरा क्वेश्चन मैरिड पे दिया हुआ है और जो कि एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। जब लिखा है नोबलमैन मैरिड, देखो नोबलमैन सब्जेक्ट हो गया और मैरिड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस हो गई। तो इसके बाद हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, द नोबलमैन मैरिड द डॉटर ऑफ हिज मेड, ठीक है। एक सज्जन आदमी थे, उन्होंने अपने दासी अपने नौकरानी की लड़की से शादी कर ली जो कि बहुत गरीब थे, तो वो गरीब थी इसलिए उसे शादी कर ली, इसलिए मैंने कहा कि वो नोबलमैन थे, ठीक है। तो ये हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होती है। तो एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, ठीक, ध्यान रखिएगा, दो कंडीशंस हैं इसमें। अगला वर्ड हमारा है मेड, जिसके साथ हमें प्रीपोजिशन लगाना है। तो मेड मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का निर्माण करना। अब इसमें आपको देखना होगा कि क्या हमें लगाना होता है, तो एक लगता है मेड ऑफ और एक लगता है मेड फ्रॉम। मेड ऑफ कब लगाया जाता है, देखो मेड ऑफ यूज किया जाता है जब हम कोई किसी चीज़ से कुछ बनाते हैं और फिजिकल चेंज आता है, और मेड फ्रॉम तब यूज किया जाता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसके रॉ मटेरियल में केमिकल चेंज आता है, ठीक। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होगा, जैसे आप लकड़ी की कुर्सी बनाते हो तो कुर्सी बनने के बाद वो लकड़ी ही रहती है, और जैसे आप दूध से मिठाई बनाते हो तो जब दूध से मिठाई बना देते हो तो अब दूध की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं ना, उसको फिर से आप दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। और लकड़ी की मेज़ बनी है तो मेज़ बनने के बाद भी वो लकड़ी ही रह गई, केवल शेप साइज चेंज हुआ है बस, उसके में कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदली, और दूध से मिठाई बनाने में बदल गई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल गई। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दो दिए गए हैं आपको, मेड ऑफ लगेगा या मेड फ्रॉम लगेगा। तो पहला लिखा है कि ऑल द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस वॉज मेड डैश वुड, वुड मतलब लकड़ी का बना हुआ, आप ये मटेरियल यूज़ कर रहे हो, इसमें केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, तो मेड के बाद ऑफ लगाओगे, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ए वाला होगा। दूसरा है द स्वीट वॉज मेड डैश चीज एंड शुगर, अब ये जो कह रहे हैं कि मिठाई है वो पनीर और चीनी की बनी हुई है, तो हो सकता है ये रसगुल्ला हो, ठीक है, छेना जिसको कहते हो। तो द स्वीट इज मेड ऑफ चीज़ एंड शुगर, अब कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा तो भैया मुंह बंद करके बैठना वरना मोबाइल गीला हो जाएगा, मन करे वो तो जाके शाम को खा लेना भाई। तो स्वीट वॉज मेड डैश चीज़ एंड शुगर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ केमिकल चेंज होगा जब चीनी और पनीर से मिठाई बनाई जाएगी, तो केमिकल चेंज में हम क्या लगाते हैं, मेड फ्रॉम यूज करते हैं, क्लियर हो गया। मेड के साथ भी दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, तो यहाँ नीड के साथ हम लोगों को यूज करना है। तो नीड के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग, तो नीड के साथ हमें फॉर भी लगाना होता है, ऑफ भी लगाना होता है, जब जैसी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक। तो नीड के साथ फॉर कब यूज करोगे, ठीक, नीड के साथ फॉर यूज़ करोगे जनरली नीड के बाद, अगर नीड नाउन की तरह यूज़ कर लेते हो, लेकिन इन नीड लगाओगे तो हमें क्या करना होगा, ऑफ लगाना होता है, ठीक है। तो आ जाओ पहले में लिखा है कि देयर इज़ नो नीड फॉर वाटर, ठीक, नो नीड ऐसे लिखा, नीड फॉर समथिंग हमेशा याद रखना। और लगा है कि अगर इन नीड, तो इन नीड के साथ क्या यूज करते हो, ऑफ लगाते हो, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये फिक्स फ्रेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ लगेगा, और केवल नीड होगा तो नीड के साथ फॉर यूज करोगे, क्लियर हो गया। चलो तो ऑप्शन कौन सा हुआ, हमने बता तो दिया, टिक नहीं लगाया, चलो अब टिक भी लगा देते हैं, 15 का बी होगा और 16 का ए होगा। अब आ जाओ 17 पे, 17 पे क्या लिखा है, पोलाइट, देखो एक बात बताएं, पोलाइट, हम्बुल, काइंड, इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं, एक बार मैं सारे कलेक्टेड भी दूंगा, पोलाइट, हम्बुल, क्रूएल, अनकाइंड, ब्रूटल, कैलस, इस तरह के निर्दयी, दयालु, ये सब जो आते हैं, इन सब के बाद ज़्यादातर टू यूज किया जाता है। लेकिन पोलाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दो अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। तो पोलाइट अगर आप किसी पर्सन के प्रति हैं
तो टू लगता है। अगर आप मैनर्स में पोलाइट हैं तो क्या लगाना होता है, इन लगाना होता है। तो यहाँ लिखा है और न्यू बॉस इज वेरी पोलाइट डैश हिज मैनर्स, तो पोलाइट के बाद इन, पोलाइट अगर मैनर्स में पोलाइट हैं तो इन यूज करोगे, और किसी पर्सन के लिए पोलाइट हैं तो टू लगाओगे। ही इज आल्सो पोलाइट डैश द एम्प्लॉयज एज वेल एज द क्लाइंट्स, तो यहाँ क्या लगाओगे, पोलाइट टू यूज करोगे, ये सी वाला होगा। ठीक, अब इसके दूसरे वाले में ऑप्शंस कई हैं, देख लीजिएगा। जैसे वेरी पोलाइट, पोलाइट के बाद अगर मैनर लिया होगा तब तो इन ही होगा, ये बात मैंने कही थी। दूसरे वाले में देखो, पोलाइट के बाद जैसे कोई पर्सन लिखा है, एम्प्लॉयज लिखा है, ऐसे में पोलाइट के साथ ही और भी वर्ब्स हैं, जैसे पोलाइट है, हम्बल है, काइंड है, और सिंपैथेटिक है, और अनकाइंड है, क्रूअल है, कैलेस है। तो क्रूर, निर्दयी, पोलाइट, इन सब के साथ जब कोई पर्सन लगता है तो सब के साथ टू लगता है। अभी एक सेशन में और लूँगा किसी दिन इस तरह का, जिसमें कई सारे वर्ड्स इकट्ठा करूँगा और उन सारे वर्ड्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो बताऊँगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चंस, और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोवाइडेड। ठीक है, तो प्रोवाइडेड और सप्लाइड दोनों के साथ एक ही जैसा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, कभी ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ कह दिया प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड लगाओ, या फिर कभी कभी सप्लाइड यूज किया जाता है सेम सेंस में, प्रोवाइडेड या सप्लाइड, या कभी कभी एक वर्ड यूज किया जाता है फर्निश्ड। ठीक है, तो इस तरह के कई वर्ड हैं, इसी तरह के हैं, जो प्रोवाइड जैसे लगेगा ठीक उसी तरह से उनके साथ भी लगेगा। अब आओ सीख लेते हैं कि प्रोवाइड का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराते हैं तो देखो, अगर पहले कोई थिंग लिख दिया, समथिंग, थिंग पहले लिख दिया और पर्सन का नाम बाद में आ रहा है तो क्या लगेगा, और पर्सन का नाम पहले आ रहा है, थिंग बाद में यूज कर रहे हो तो क्या लगेगा। देखो, अगर समथिंग पहले है, पर्सन बाद में है, तो क्या करोगे, टू लगाओगे, और पर्सन पहले है, थिंग बाद में है, तब क्या लगाओगे, विद लगाओगे। ठीक है, प्रोवाइड समथिंग टू somebody, और प्रोवाइड somebody विद समथिंग, ऐसे यूज किया जाता है, और यही हाल सप्लाई और फर्निश के साथ भी होगा। ठीक है, अब आ जाओ अपना क्वेश्चन लगाओ। तो लिखा आई हैव प्रोवाइडेड देम, ये प्रोवाइडेड के साथ क्या लगा दिया, देम लगा दिया, पर्सन पहले है, थिंग बाद में है, तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा, यहाँ यूज किया जाएगा विद, आई हैव प्रोवाइडेड देम विद एवरीथिंग दे नीड, तो विद लगा। दूसरे में क्या है, आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग डैश देम, तो यहाँ पे एवरीथिंग पहले लगा दिया, देम बाद में लगा दिया, तब क्या लगाओगे, तब लगाओगे आप टू। ठीक है, तो प्रोवाइडेड के साथ दो सिचुएशन है, ध्यान रखना, थिंग पहले है तो टू पर्सन के पहले लगेगा, और पर्सन पहले है, थिंग बाद में है, तो थिंग के पहले विद लगेगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है प्रूफ के साथ लगा हुआ है। तो प्रूफ के साथ दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं अक्सर, कभी अगेंस्ट यूज किया जाता है और कभी ऑफ यूज किया जाता है। ठीक, तो अगर कोई पर्सन है तो ये जैसे पर्सन लिखा हुआ है प्रूफ के साथ में, तो किसी पर्सन के खिलाफ कोई प्रूफ मिल रहा है तो आप अगेंस्ट लगाओगे। ठीक है, और किसी मिस्टेक के लिए मिल रहा है तो ऑफ। ठीक है, ये अगेंस्ट हो गया और ये ऑफ हो गया। ठीक, समझ में आई बात। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांग प्रूफ अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ सबूत मिला है, और आपके अपराध का सबूत मिलेगा तो क्या होगा, प्रूफ ऑफ योर मिस्टेक, प्रूफ ऑफ योर क्राइम, प्रूफ ऑफ योर गिल्ट। ठीक है, समझ गए। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रांग प्रूफ अगेंस्ट यू, यहाँ क्या लगेगा, अगेंस्ट लगेगा, और दिस इज अ वेरी स्ट्रांग प्रूफ डैश योर गिल्ट, आपकी गलती के लिए है तो क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। हमारा अगला वर्ड है पार्टेड। ठीक है, 23 और 24 में पार्टेड के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो पार्टेड ये तो सेकेंड फॉर्म हो गई, पार्ट अगर हमारी वर्ब होती है तो पार्ट के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग पार्ट विद लगाते हैं और कभी कभी पार्ट फ्रॉम यूज करते हैं। तो पार्ट फ्रॉम कब लगेगा और पार्ट विद कब लगेगा, जैसे किसी पर्सन से आप अलग होते हैं, माँ बाप से अलग होते हैं, तो क्या लगाएंगे, पार्टेड विद यूज करेंगे, नहीं पार्टेड फ्रॉम यूज करेंगे, उल्टा हो गया थोड़ा सा, फिर से मैं लिख देता हूँ। पार्टेड के बाद अगर फ्रॉम यूज करते हैं तो मतलब हुआ कि किसी पर्सन से अलग हो जा रहे हैं, जैसे माँ बाप से अलग हुए तो पार्टेड फ्रॉम,
और किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, समथिंग है, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी किताबों से अलग हो रहे हैं, अपने बैट बॉल खेल के सामान से अलग हो रहे हैं, या अपनी मतलब प्रॉपर्टी से अलग हो रहे हैं, तो अब उसके लिए क्या लगाना होगा, पार्ट एंड विद यूज़ किया जाएगा। तो पार्ट के बाद दो प्रीपोजिशन, कभी विद और कभी फ्रॉम, कब विद होगा कब फ्रॉम होगा, फ्रॉम पर्सन के लिए होगा और विद थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। चलो अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एट द स्टेशन ही पार्टेड एज हिज पेरेंट्स, स्टेशन पर वो अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से अलग हो गया, जुदा हो गया, ठीक है, मतलब उनसे विदा ले ली, थोड़ी उनसे दूर हो गया, तब क्या लगाओगे, पार्टेड फ्रॉम, क्योंकि पार्टेड के बाद पर्सन आता है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। और दूसरा है, अ पिक पॉकेट पार्टेड हिम डैश हिज पर्स एट द स्टेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बोर्ड द ट्रेन, जब वो ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो जेब कतरे ने उसको उसकी पर्स से अलग कर दिया, उससे पर्स से जुदा कर दिया, ठीक है, तो उसकी जेब काट दी। तो जब कोई आदमी पार्ट होता है अपनी पर्स से, अपनी किसी चीज़ से, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। और दूसरे का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 25 में क्या लिखा हुआ, प्लीडेड, एक वर्ब रही है हमारी प्लीडेड। तो प्लीड के साथ हम लोग दो चीज़ लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, एक तो विद लगाते हैं, मतलब जिससे हम जिस अथॉरिटी के साथ प्लीड करते हैं उसके लिए विद लगाते हैं, और ठीक है, जिस बात के लिए प्लीड करते हैं, जिस जो चीज़ हमें चाहिए उसको क्या, उसके लिए क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे, और जिस चीज़ के खिलाफ करते हैं उसके लिए अगेंस्ट यूज करते हैं। तो ध्यान रखना दो तीन चीज़ें आपके, प्लीड, अब प्लीड का मतलब होता है ना जैसे रिक्वेस्ट करना या अप्लीकेशन वगैरह देना, ये होता है। प्लीड विद क्या होगा, जिससे आप अपील कर रहे हो, जिस कोर्ट से आप अपील कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो प्लीड विद हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए, न्याय के लिए आप अपील कर रहे हो तो फार लग जाएगा, जिसके खिलाफ, जैसे अन्याय के खिलाफ आप कर रहे हो तो क्या लगा जाएगा, अगेंस्ट लग जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा आई प्लीडेड डैश द अथॉरिटी, ये अथॉरिटी हो गई, अधिकारी हो गई, तब क्या लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए था विद डैश जस्टिस, किसके लिए, हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं तो क्या लगेगा, फार, तो विद और फार, ये पहला वाला आपका हो गया सबसे पहली बार में, अरे इसमें दो में विद फार आ गया, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें दो ऑप्शन में एक ही जैसे हो गए हैं, वो बाई मिस्टेक हो गया है, मेरी गलती है, लेकिन ठीक है, आपको सही आंसर पता चल गया, इतना काफ़ी है। पहले वाले में ये जो ये वाला फिलर था, यहाँ विद लगाना था, यहाँ फार लगाना था, दो ऑप्शन में ठीक हो ये चला गया है, ठीक है, तो वो बाई मिस्टेक हुआ, समझ जाइएगा, ये वाला कोई भी एक आप ए बी में से लगा लीजिए। दूसरा लिखा है कि वी विल प्लीड टू द जज ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ तो टू लगा हुआ है, ठीक है, जज, हाई कोर्ट के जज से हो गया। डैश द इनजस्टिस, किससे, इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, तो यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ आप यूज करो अगेंस्ट, क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है प्राइड, प्राइड है 27 और 28 में, और प्राउड है 29 में, तो प्राउड के बाद ऑफ लगता है, ये तो फिक्स ही होता है, पहले प्राइड का आप देख लीजिए। तो प्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और ऑन यूज किया जाता है, ठीक है, जब आप किसी पर गर्व करते हैं, तो लिखा है सी प्राइड्स हरसेल्फ, ठीक, सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ऐसे में क्या लगाओगे, ऑन, और सी टेक्स प्राइड, टेक के बाद प्राइड लिखा हुआ है, तो ये प्राइड क्या है, नाउन है, तो सी टेक्स प्राइड, टेक प्राइड के बाद आप क्या करेंगे, इन यूज करेंगे, ठीक, सेंटेंस दोनों एक जैसे हैं, बस यहाँ सी प्राइड्स में ये वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सी प्राइड्स हरसेल्फ, तो प्राइड क्या है, वर्ब है, जब वर्ब होगी तो क्या लगाओगे, ऑन यूज करोगे, और सी टेक्स प्राइड, टेक प्राइड में ये जो प्राइड है ये क्या है, नाउन है, तो ऐसे में क्या लगाना होगा, आपको इन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, एक ऑप्शन को हमें क्या कर देना चाहिए, चलो मान लो इसको हम इन कर दे रहे हैं, ठीक है, तो टेक प्राइड के बाद इन लगा लेना, और इस वाले में क्या हो गया, ऑन लगा लिया, ठीक, ये बात क्लियर हो गई। कभी कभी ऑप्शन बनाने में एक आध मिस्टेक हो जाती है। अब ये वाला देख लो, प्राउड की बात क्या लगेगा, तो सी इज प्राउड ऑफ, क्या लगेगा, प्राउड ऑफ यूज किया जाएगा, सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, तो ये प्राउड आ जाता है, ठीक है, प्राउड के बाद ऑफ ही है, और प्राइड के बाद दो है, प्राइड के बाद कभी ऑन लग जाता है, कभी इन लग जाता है, प्राइड अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो ऑन लग जाएगा, और नाउन की तरह यूज करोगे तो इन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पर है, क्वेरल पर है, ठीक है, तो
तो क्वेरल और आर्गो दो चीज़ें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बाद दूसरा प्रीपोजिशन थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। क्वेरल के साथ क्या लगाते हैं, क्वेरल के साथ जिससे आप झगड़ा करेंगे उसके साथ विद यूज करेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेरल में जिसके साथ झगड़ा करेंगे, जिसके साथ झगड़ा होगा वो विद लगेगा, और जिस मुद्दे पर झगड़ा होगा उसमें क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे, ठीक है, ठीक। और आर्गो में क्या होता है, आर्गो में यही जो ओवर लगता है ओवर की जगह अबाउट यूज कर जाता है, और विद तो विद ही रहता है, आर्गो में हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले ओवर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आर्गो करेंगे। लिखा है द सन्स ऑफ पुअर फार्मर ऑलवेज क्वेरल डैश वन अनदर। एक बूढ़ा किसान था, उसके लड़के हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ा झगड़ा करते थे। तो क्वेरल के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ा झगड़ा करते थे तो क्या हो जाएगा, विद लगेगा, और डैश ट्रिपल, ट्रिपल मतलब मामूली मामूली बात पर झगड़ा करते थे तो क्या लगा लो, ओवर यूज कर लो, ठीक है। क्वेरल विद वन अनदर ओवर ट्रिपल्स, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहले हमें विद लगाना है, विद के बाद ओवर यूज करना है, तो पहले कौन सा ऑप्शन आया, ये विद के साथ ओवर आ गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में जिसमें है आर्गो। तो आर्गो के साथ मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो आर्गो के साथ पर्सन होगा तो विद ही लगेगा, और जिस विषय पर झगड़ा करते हैं उसमें अबाउट यूज किया जाता है, यही क्वेरल में और इसमें एक डिफरेंस होता है। आई डोंट वॉन्ट टू आर्गू डैश यू, तो यहाँ हो जाएगा विद, यहाँ पे विद ही रहेगा, लेकिन दिस मैटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा। यही अगर आर्गू की जगह क्वेरल होता तो अबाउट की जगह ओवर लग जाता, ठीक है। आर्गू और क्वेरल में यही इतना फर्क होता है कि आर्गू में मैटर के पहले अबाउट लगता है, क्वेरल में मैटर के पहले ओवर यूज किया जाता है, और पर्सन के पहले दोनों में ही विद का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या हुआ है, फाइट दिया हुआ है, 32-33 दोनों में यही दिया हुआ है, ठीक। यहाँ देखो ये फॉट है, फॉट की सेकेंड वन, फाइट की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ लिखा है ब्रिटिश रूलर्स और यहाँ लिखा है फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तो ये दिया हुआ है जिससे लड़ाई हुई, यहाँ लिखा है जिस बात के लिए लड़ाई हुई, और यहाँ भी देखो फाइट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा इलिटरेसी, मतलब हुआ जिसके खिलाफ लड़ाई हुई। तो फाइट के लिए भी हम लोग तीन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं, ये है हमारा फाइट। तो एक मिनट में आपको समझा देते हैं तीन चीज़ें कौन सी लगेंगी। फाइट के साथ विद यूज किया जाएगा, हमारी लड़ाई जिससे है, जिस व्यक्ति से लड़ाई होगी, ठीक है। और ओवर कब यूज किया जाएगा, ओवर यूज किया जाएगा, सॉरी ओवर नहीं यूज किया जाएगा, इसमें फॉर यूज किया जाता है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। तो आप ऐसा करते हैं कि ये हमारा हो गया, ये फाइट के बाद फॉर लगा हमारे, तो फॉर लगेगा जिस बात के लिए लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, वो हो गया। और एक लगेगा अगेंस्ट, मतलब जिसके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट जिसको दूर करने के लिए, फॉर जिसको पाने के लिए, और विद मतलब जिससे लड़े, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं अपना, आ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉट डैश द ब्रिटिश रूलर्स, ये हो गया जिससे लड़े वो, तो क्या हो गया, फॉट विद ब्रिटिश रूलर्स डैश फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, तो जिस बात के लिए लड़े थे वो हो गया फॉर, तो विद और फॉर इसमें लगेगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में लिखा है कि सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ दैट टाइम वर फाइटिंग डैश द इलिटरेसी एंड सोशल इनजस्टिस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो इलिटरेसी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे, सामाजिक अन्याय पाने के लिए थोड़े लड़ रहे थे, उसके अगेंस्ट लड़ रहे होंगे। तो यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ लग जाएगा हमारा अगेंस्ट, ठीक है। तो अब दूसरे वाले के लिए मतलब 33 के लिए ऑप्शन ढूंढ लीजिए अब कौन सा होगा अगेंस्ट, और ये रहा आपका अगेंस्ट में बी आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 और 35। 34-35 में क्या दिया है, यूजफुल, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, अक्सर आप लोगों को मिला करता है ये वर्ड यूजफुल। तो यूजफुल के लिए क्या यूज किया जाएगा भाई, यूजफुल किसी पर्सन के लिए होता है तो टू लगता है, ठीक है। जब कोई बात किसी पर्सन के लिए यूजफुल होगी तो टू होगी, और किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए यूजफुल होगी तो फार होगी। तो यहाँ लिखा है दिस बुक इज़ वेरी मच यूजफुल डैश द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो यहाँ यूजफुल डैश, यहाँ पर्सन यूज किया है ना, स्टूडेंट्स के लिए यूज किया गया, तो यूजफुल टू स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा यूजफुल फार लगा दें, तो लेकिन पर्सन के लिए जब यूजफुल होता है तो टू लगता है, और यहाँ लिखा है ना कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ पर्पस दिया है तो यहाँ फार लगेगा, ठीक है। पर्सन के लिए टू, ये भी यूजफुल है, देखो यूजफुल पर्सन के लिए टू और पर्पस के लिए
फार। क्लियर हो गई ने बात। तो यूजफुल के बाद हमेशा फार मत लगाना, हालांकि अच्छा लगता है सुनने में लेकिन हमेशा वो सही नहीं होगा। अब हमारा अगला वर्ड जो है फिक्स प्रीपोजिशन के लिए वो है वेट। ठीक है, दोनों को देखो, दोनों में वेट है, इसमें वेटिंग लिखा, इसमें वेट लिखा, वर्ब एक ही है। तो वेट के साथ हम कौन कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, एक तो आपको अच्छी तरह पता है कि वेट के बाद क्या लगता है, फॉर लगता है। ठीक, और दूसरा वाला क्या है कि वेट के बाद कभी कभी सेवा हुआ करने के लिए या किसी मेहमान वगैरह को अटेंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है वेट, तो उसमें वेट के बाद ऑन यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करने के सेंस में आप फॉर ही यूज करोगे। वी हैव बीन वेटिंग डैश द रिजल्ट, रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे हो तो फिर आप फॉर लगाओ। ठीक, अगर किसी को अटेंड कर रहे हो, सेवा कर रहे हो किसी की, तो उसके लिए आप वेट के साथ ऑन यूज करेंगे। आई एम हैप्पी टू वेट डैश यू इन द आवर ऑफ नीड। ठीक, ज़रूरत के समय में आपकी सेवा करके, आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ वेट के बाद फॉर नहीं यूज़ करना है, यहाँ वेट के बाद क्या यूज़ करना है, ऑन, क्योंकि इंतज़ार की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी टू वेट डैश यू इन द आवर ऑफ नीड, ज़रूरत के समय में आपका इंतज़ार करके थोड़े ना खुश हूँ, ज़रूरत के समय में आपकी मदद करके, आपकी सेवा करके खुश हूँ, इसलिए क्या लगाओगे यहाँ पर वेट ऑन। तो अभी तक आप लोगों ने वेट के बाद फॉर सुना होगा, वेट के बाद ऑन सुना नहीं होगा, आज सुन लीजिए कि वेट के बाद ऑन भी यूज़ किया जाता है, बस सिचुएशन चेंज होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो वेट के बाद अगर इंतज़ार करने के सेंस में आएगा तब तो आप लोग सही कर ही लोगे यार, गड़बड़ तो तब होती है ना जब आपको ये वाली सिचुएशन में क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक, अब आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपका जो वर्ड है इस बार वो है लैक, लैकिंग, लैक, लैकिंग और लैक्स। ठीक है, तो अब जब इन के साथ आता है लैक, तो इन लैक ऑफ यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा, योर फ्रेंड इज इन लैक ऑफ कॉमन सेंस। तो इन लैक ऑफ ये फिक्स होता है, फ्रेज है इन लैक ऑफ। ठीक, ये हो गया। दूसरा है योर फ्रेंड इज लैकिंग डैश कॉमन सेंस। अब ऐसे में जब लैक वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो लैकिंग इन यूज किया जाता है, जैसे यू आर लैकिंग इन कॉमन सेंस या यू आर इन लैक ऑफ कॉमन सेंस। ठीक, और अगर लैक को वर्ब की तरह यूज कर दिया गया सीधे सीधे, ठीक है, तब क्या करोगे आप, तब आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। योर फ्रेंड लैक्स डैश कॉमन सेंस, अब प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, यहाँ नो प्रीपोजिशन। अब आप कहोगे कि यहाँ पर लैक्स वर्ब है तो यहाँ लैक क्या है, एक्चुअली ये लैकिंग वर्ब नहीं है, ये लैकिंग जो लिखा है वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है। योर फ्रेंड इज लैकिंग इन, हमेशा याद रखा लैकिंग के बाद इन लगाना और इन लैक के बाद क्या लगाना, ऑफ। ठीक, लैकिंग इन, आपको बाद में ये नीचे सब कुछ लिखा हुआ मिल भी जाएगा, लैकिंग के बाद इन और इन लैक के बाद क्या होगा, इन लैक ऑफ। और ठीक, अगर लैक वर्ब की तरह यूज कर दिया जा रहा है तो नो प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए 40 क्वेश्चन। ठीक, अब इसका कलेक्टेड फॉर्म है, ये समरी के रूप में यहाँ देखो नीचे दिया हुआ है, सारा का सारा आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर जो हमने अभी आपको पढ़ाया था। लास्ट में आपको दिखा देते हैं वो लैक वाला जिसकी बात मैं कर रहा था, ये देखो। ठीक है, यहाँ आपको ये भी मिल जा रहा है, देखो लैक के बाद क्या है, लैक ऑफ समथिंग, लैकिंग इन समथिंग या लैक के बाद नो प्रीपोजिशन अगर वर्ब की तरह यूज कर दिया गया तो, सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से रहे जिसमें एक वर्ड के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन यूज किए जा रहे हैं। ठीक, जैसे कोई वर्ड लिखा उस वर्ड के साथ कई सारे प्रीपोजिशन लग जा रहे हैं, जैसे ऑफ, फ्रॉम, वेद, ऑन, टू, कई कई प्रीपोजिशन लगते हैं। तो ये एक कैटेगरी वन थी, एक कैटेगरी के फिक्स प्रीपोजिशन हमने आपको पढ़ाए। इसके बाद हम ऐसा प्रीपोजिशन अगले दिन शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद वाले में, जिसमें एक के बाद एक लगेगा, मतलब हर वर्ड के साथ अलग, हर वर्ड के साथ अलग, या एक वर्ड के साथ कई सारे नहीं मिलेंगे, अब जो मिलेंगे एक वर्ड के साथ एक फिक्स मिलेगा, तो वो अब की बार करने जा रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा वर्ड हैं लेकिन इस बार जो हम लोग करेंगे उसमें आपको ऑप्शन नहीं देंगे, एक सेंटेंस लिखूंगा ऐसे सीधे 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 एक सेंटेंस लिखूंगा, इसमें ए बी सी डी का ऑप्शन नहीं होगा, आपको यहाँ डायरेक्ट लगाना होगा क्योंकि वो फिक्स प्रीपोजिशन है, उसके बाद एक ही वर्ड आना ही आना है। अच्छा, उसका भी आपको कलेक्टेड पीडीएफ दे दिया जाएगा किसके बाद क्या लगाना है, पहले मैं आपको कराऊंगा किसके बाद क्या लगेगा क्वेश्चंस के फॉर्म में,
उसके बाद लास्ट में आपको सीधे सीधे दे दूंगा कि जो उसका निचोड़ निकला है किस वर्ड के बाद कौन सा लगाना है, नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको रट डालिएगा। बस रट डालना है, याद रखिएगा, वो बहुत सेलेक्टेड है, उसमें से फिर इम्पोर्टेंट छांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के मतलब 400-500 में से मैंने वो 150 अलग से छांट ही रखे हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब उसमें से भी इम्पोर्टेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो कुछ मिस कर देंगे, ठीक है, वो उतना याद कर डालिएगा। आधे आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं, आधे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आधा काम मैंने कर दिया है आप लोगों का। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चीज के साथ में, और सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप हमको ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।